उम्र में या कद में बड़ा होना काफी नहीं है, ये हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं। उम्र और कद में बड़े होने से ये साबित नहीं होता कि आप सभ्य हैं या फिर असभ्य। खास हमारे बड़े बुजुर्गों की ये सीख हमारे नेता और हमारी राजनीतिक पार्टियां भी सीख पाती हैं। छत्तीसगढ़ में चुनाव चल रहे और नेता व राजनीतिक पार्टियां सत्ता की कुर्सी को हथियाने के लिए अपना पूरा जोर लगा रही है। राजनीतिक पार्टियां प्रचार प्रसार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही और ना ही एक दूसरे को बोलने करने और सुनाने में भी कोई कसर छोड़ रही है। लेकिन इस बीच राजनीतिक पार्टियां ये भूल रही है कि उसे किस भाषा का इस्तेमाल करना है। वे देश के बड़े राजनीतिक दल हैं और उनमें बड़े और मंझे हुए नेता भी हैं, लेकिन फिर भी ये पार्टियां भूल जाती है कि उन्हें अपनी भाषा का इस्तेमाल किस तरह से करना है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो शेयर कर पोस्ट करते हुए लिखा कि कल हमारे छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र का महापर्व आयोजित हो रहा है। दूसरे चरण के इस मतदान में आप सभी साथी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि आपका एक वोट हमारे प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदल सकता है। इस विधानसभा चुनाव में विशेषकर हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स अपने मताधिकार का उपयोग जरूर करें। यह वोट आपका संवैधानिक अधिकार भी है और इस व्यवस्था के लिए प्रति आपकी जिम्मेदारी भी है। रमन सिंह के इस ट्वीट पर कांग्रेस पार्टी ने एक्स पर जवाब देते हुए लिखा, यह गोलू पांडा एक नंबर का आलसी भी है, रात को ही वोट अपील करके सो गया ताकि सुबह जल्दी ना उठना पड़े। इस ट्वीट के बाद कांग्रेस के लिए ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी का ये ट्वीट दिखाता है कि क्या ये पार्टी 138 साल पुरानी है और इसके नेता इतने असभ्य हैं कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है कि ये भाषा आम जिंदगी में चल जाए, लेकिन जब आप एक देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये भाषा कतई सभ्य नहीं है। यह एक शर्म का विषय है कि हमारे राजनीतिक दल और उसके नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। शुक्रिया।